नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र के हुए 24 वर्ष पूरे, धूमधाम से मनी सालगिरह। बुद्धिजीवियों ने ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं की करी सराहना। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित हुई ऑनलाइन चर्चा। उद्योग मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव जेके दादू हुए शामिल। प्रदूषण की महामारी रहा चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का भव्य आयोजन। देशभक्ति और परमात्मा अनुभूति से सराबोर हुए सैकड़ों लोग। मणि और ब्रह्मपुरी उपसेवा केंद्र का संयुक्त आयोजन। और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भी आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न। अनूठे सम्मान समारोह का आयोजन। बीके दीपक हरके को भारत गौरव सम्मान का अवार्ड। प्राचीन राज्यों के प्रचार प्रसार के लिए हुआ चयन। लंदन के एल्सबरी में ब्रह्मा कुमारीज ने मनाया दिवाली सेलिब्रेशन। शामिल हुए कई सरकारी आला कमान पदाधिकारी। बीके सुदेश ने बढ़ाई रौनक। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के पालम विहार स्थित अनुभूति भवन सेवा केंद्र की 24वीं वर्षगांठ हरिनगर सेवा केंद्रों की निर्देशिका बीके शुक्ला, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट शीला काकड़े, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के सीनियर फैकल्टी साले अहमद, निरोगा मेडिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर MD गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गुप्ता, JB पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिन, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके सुदेश की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया गया। शुभारंभ के पश्चात अतिथियों ने बीके उर्मिल को सेवा केंद्र के कुशल संचालन की बधाई देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षाओं की सराहना की। सीनियर ऑफिसर्स को मैनेजमेंट और लीडरशिप सिखाती हूं, लेकिन ब्रह्म कुमारी से मेरी जान पहचान इससे सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं है। मैं यहाँ सीखने के लिए आती हूँ। और सिस्टर उर्मिल, सिस्टर सुदेश, सिस्टर रचना और भी कई लोगों को, शायद डॉक्टर मोहित गुप्ता भी हमारे अकेडमी में आकर के बोल चुके हैं। कहते हैं संक्षिप्त प्यार के आगे ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई यात्रा है, ना कोई धीरज है। सच्ची प्यारी एक सच्ची साधना है जो बीज का काम करती है। तो जहां सच्ची साधना आ गई, जो बीज का काम करती है, तो विस्तार साधन जो है वो विस्तार है, वो सिमटते जाते हैं और हमारे स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। बीके उर्मिल को बधाइयां देने का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्हें सात समंदर पार से संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती और अफ्रीका रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती ने भी अपनी गुड विशेस भेजी। उर्मिल बहन, सुदेश बहन को बहुत बहुत याद और प्यार। बाबा तो आपके साथ बहुत खुश है और बाबा की दुआएं भी आपके साथ हैं, वरदान भी साथ है। और मैं देख रही हूँ कि पालम विहार से कितनी सुंदर सेवाएं भिन्न 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 प्रकार से हुई है। तो आप सभी को सिर्फ गुड विशेस देना है। मुझे मालूम है कि जहाँ जहाँ बाबा के स्थान बने हैं, एक विशेष रीति से वो तीर्थ स्थान भी बन गए हैं। तो और ही आगे सेवाएं बढ़ती जाएंगी ताकि बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सुंदर ढंग से हो जाए। आज विशेष दिल्ली दरबार में पालम विहार सेंटर के लिए विशेष दिन है। हमारी उर्मिल बहन, सुदेश बहन और पालम विहार सेंटर के कनेक्शन के जो भी सभी भाई बहने हैं, उन सबको नैरोबी अफ्रीका के तरफ से आप सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबने ये स्थान पर सेवा शुरू की। 24 साल में अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत आत्माओं को बाबा के घर लाए, बहुत आत्माओं को बाबा का मैसेज दिया, बहुत आत्माओं को पालना दे रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के समापन दौर में बीके उर्मिल ने सभी को दिल से धन्यवाद दिया और ईश्वरीय सौगात भेंट की। प्रकृति दो प्रकार की है, एक बाहर की प्रकृति जैसे पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, वनस्पति और दूसरी है हमारे अंदर की प्रकृति।
जैसे मन, बुद्धि और संस्कार। ये दोनों ही प्रकृति एक दूसरे के पूरक है और आज इन दोनों ही प्रकृति में स्वच्छता की अत्यंत जरूरत है। इसी विषय को लेकर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव जेके दादू, भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवा के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ सलहन चर्चा के लिए विशेष रूप से शामिल हुए। चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ राज्यों के शिक्षक एवं प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने बाहरी प्रकृति को स्वच्छ बनाने के लिए मन को निर्मल बनाने की ओर ध्यान खिंचवाया, तो वहीं अतिथियों ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए पैसे की कहीं कमी नहीं है, सिर्फ विल, डिटरमिनेशन एंड विल चाहिए बाय ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी नॉट टू कंट्रीब्यूट टू एयर, वाटर और साउंड पोल्यूशन, एंड इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग हाउ बेस्ट दे कैन हेल्प टू कंट्रोल इट। प्रदूषण सरकार की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है, मेरी समस्या है, उसको इसी तरह से लेंगे तो हल हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने इस दौरान मन को नेगेटिव विचारों से दूर रखने का विकल्प राजयोग मेडिटेशन को बताया और सभी से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। हम एक संकल्प लेकर के जाएंगे बाहर के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, जो हम एफर्ट्स करते हैं उसके साथ साथ मुझे अपने मन को भी पवित्र शुद्ध बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर शहर के लोगों को गीतों द्वारा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए भव्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यह कार्यक्रम ब्रह्मपुरी और वणी उपसेवा केंद्रों द्वारा आयोजित था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ब्रह्मपुरी के नगराध्यक्ष रीता ताई उराड़े, चंद्रपुर के प्रभारी बीके कुसुम, वणी के प्रभारी बीके कुंदा, गढ़चिरौली के प्रभारी बीके नलिनी, ब्रह्मपुरी के प्रभारी बीके मीनल शामिल हुए और कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जीवनामध्ये कितीही कठिनाई, कितीही संकट आले तरी आपण हिमतीने आणि धैर्याने त्यांना समोर गेलं पाहिजे आणि आपलं जीवन सुख समृद्ध केलं पाहिजे, हे त्यांनी आताच आपल्या गायनातून त्यांनी सांगितलेलं आहे। हमें यही सीखना है कि हमें सदैव खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सब कुछ चला जाए, खुशी नहीं जाए। देशभक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों से सजे गीतों द्वारा कार्यक्रम में आए लोगों को शांति, खुशी और परमात्मा प्रेम की अनुभूति सहज ही महसूस हुई। हीरो से आकाश भरा, मोदी से भरी जमी होगी, कोई नहीं कमी होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जेल परिसर में कैदियों के जीवन में सुधार के लिए ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने कैदियों को बदला लेने की भावना और नशीले पदार्थों के सेवन करने जैसी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रयास को देखकर जेलर राम शिरोमणि पांडे बहुत प्रभावित हुए और सभी कैदियों से बीके बहनों की बातों को अमल में लाने का आग्रह किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में भी देखने को मिला, जहां 4 दिवसीय अनूठे सम्मान समारोह भारत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित लोगों की सूची में एक नाम डॉक्टर बीके हरके का भी था, जिन्हें भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया। बीके दीपक हरके को यह सम्मान 174 विभिन्न विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत के प्राचीन राज्यों के प्रचार प्रसार करने के लिए दिया गया।
उन्हें यह अवार्ड विख्यात हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता द्वारा प्रदान किया गया। लंदन के एल्सबरी में ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस और लोकल एरिया सेंटर द्वारा कई एक्टिविटीज के लिए सुंदर स्पेस को तैयार किया गया, जिसका मुख्य आकर्षण थे राजयोग मेडिटेशन स्पेस, ट्री ऑफ लाइफ, इमरजेंसी ऑप्टिमिस्ट, ग्लिम्स ऑफ द गॉडेसेस, वर्चुअल व्हील। डिस्कवर बक्स म्यूजियम में आयोजित इस इवेंट का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज में जर्मनी के निदेशिका बी के सुदेश, बकिंगम शायर के हाई शेरिफ जॉर्ज एंसन, एल्सबरी के एमपी रॉब बटलर, मेयर एंडर्स क्रिस्टेंशन, डिस्कवर बक्स म्यूजियम के डायरेक्टर सू शेव द्वारा किया गया। इस इवेंट में 200 से भी अधिक लोगों ने विजिट किया, जिन्हें बी के मेंबर्स ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और सीनियर राजयोग टीचर बी के जेमिनी ने राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराया। अब खबर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां बटिकला जिले के कलुवंचिकोड़ी शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा नीड ऑफ मेडिटेशन फॉर द प्रेजेंट टाइम। इस वर्कशॉप में 40 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बी के सदस्यों ने विस्तार से राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में मेडिटेशन की आवश्यकता को समझाया। अंत में सभी प्रतिभागियों को ब्लेसिंग कार्ड्स दिए गए, जिसे लेते हुए सभी प्रतिभागी बड़े ही उत्साहित दिखे। ऐसे ही एक और वर्कशॉप एल्काडुवा तमिल विद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए मन की एकाग्रता विषय पर आयोजित हुई, जिसमें बी के सदस्यों ने प्रेजेंटेशन द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि मेडिटेशन द्वारा कैसे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज GWS को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।